जानवरों के बारे में वो मैं आई कैन पास इट ऑन टू द यंगर जनरेशन बाय टेलिंग देम कंपैशन और काइंडनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे जानवरों के प्रति कंपैशन और काइंडनेस दिखाएंगे तो डेफिनेटली इंसानों के प्रति तो दिखाएंगे ही। तो आप कंपैशन और काइंडनेस की उम्मीद तब नहीं कर सकते कि अगर आप बच्चे को प्लेट में मीट परोस रहे हो और फिर उसे सोच रहे हो कि वो इंसानों के प्रति दया दिखाए, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि आप जैसा खाओगे वैसे आपके विचार होंगे। तो अगर हम बच्चों को सिखा सकते, क्योंकि बच्चों को सिखाना आसान होता, बड़े लोगों को सिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे तो लगता है कि बिकॉज आई एम अ टीचर, आई मेरी आर्ट क्लास में मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं उनको सिखा सकूं, बता सकूं कि एनिमल्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एज वेल, स्पेशली दे कनेक्टेड टू यू, यू आर जस्ट को शेयरिंग द अर्थ उनके साथ में, आप उनके साथ इनहैबिटेंट हो तो उनको भी वैसे ही ट्रीट करो। और फिर आपके पास पावर है, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके पास पावर है, बहुत बड़ी पावर है, तो यूज इट फॉर द गुड ऑफ द एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज। रचना जी, जैसा कि आपने बताया कि आप शिक्षिका हैं, तो कहाँ कहाँ आपने बच्चों को पढ़ाया, किस किस कॉलेज में, आप वो वाली यात्रा भी आप हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। हाँ, काफी स्कूल्स में पढ़ाया झांसी में, मैंने वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन झांसी। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट, देन बीन टू रानी लक्ष्मीबाई एंड आर्मी पब्लिक स्कूल, उसके बाद में सिंधिया स्कूल ग्वालियर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश रही, एंड देन आई हैड टू कम बैक टू झांसी, क्योंकि सोचा तो ये था कि जानवरों के लिए एक एनजीओ बनाएंगे, बट घर में ही इतने सारे थे कि वो शेल्टर ही बन गया घर में। अब वही है सारे रूम्स में, हमको थोड़ा सोने के लिए रात को जगह मिल जाती है, तो कितने रूम्स में हैं वो लोग? थैंकफुली आई हैव अबाउट 8-9 रूम्स इन द हाउस, और सारे ही रूम्स में एक भी ऐसा रूम नहीं जहां वो नहीं साथ में हो, उनका साम्राज्य है। हाँ हाँ, उनका साम्राज्य, रात को हमें सोने को पलंग मिल जाता है, बस उतना काफी है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो इन बेजवानों को रोटी नहीं देते, लात मार देते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे क्रूअल लोगों को? हम तो क्रूअल ही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्रूअल ही है, क्रूअल क्या। देखो, एनिमल क्रूएलिटी अगेंस्ट इट इज, देयर इज अ लॉ फॉर दैट। दूसरी बात यह है कि आपकी कैसी अपब्रिंगिंग हुई है, वो आप एनिमल्स को किस तरह से ट्रीट करते हो, जिस तरह से एक आदमी एनिमल को ट्रीट करता है पता चल जाता है आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। तीसरी बात स्पिरिचुअलिटी, कर्म, आपको आप उसको लात मारोगे, अगले बार पता चला आप ठोकर खा के खुद ही गिरोगे, तो ये तो कर्म है, इट इज बूमरैंग, इट विल कम बैक टू यू। ये भी देखा गया है कि लोग कुत्तों को पालने वाले या डॉगी लवर्स जो होते हैं उनसे बहुत ज्यादा उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। उनसे हमें एक इंटरव्यू के दौरान किसी महिला ने बताया कि उनकी वजह से लोग मनुष्य के रूप में वो जो जिंदा है उनसे भी नफरत करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं, मैं तो समझती हूँ इसलिए करते हैं कि उनको ये लगता है कि मैं कुछ, उनको अपनी हीन भावना दिखाई दे रही कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यार ये कैसे कर रहे हैं, और फिर अगर मैं नहीं कर रहा तो वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलता है कि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू इट, द अदर पर्सन इज डूइंग इट, सो आई शुड पुल इट डाउन। ये तो सबके साथ में, खाली जानवरों के प्रति नहीं, कोई इंसानों के लिए भी कुछ करेगा तो उसमें भी गलतियां निकालेंगे। ये भी देखा गया है कि जो लोग करते हैं उनको लोग सहयोग बिल्कुल नहीं करते, आलोचना करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इंसानों के लिए करना शुरू कर दो, आप अपने, आप सिर्फ मैं, मेरा और मेरा परिवार, ये तो नहीं है ना आपके ह्यूमन लाइफ का, आप तो सिर्फ अपनी रोटी खा रहे हो, अपनी चोट देख रहे हो, तो वो सेल्फिश है। अगर आप उस सेल्फिश दायरे से थोड़ा बाहर निकलोगे, आई मी माई सेल्फ से बाहर निकलोगे, तो आपको लोग दिखाई देंगे, और जब लोग दिखाई देंगे तो उनमें सारी स्पीशीज के लोग दिखाई देंगे, तो वो तो उनको अपना थोड़ा सा अपना सोचना, अपना सोच बदलनी पड़ेगी, ब्रॉडन करनी पड़ेगी, थोड़ा वाइडन करना पड़ेगा अपनी सोच का दायरा, तो उन्हें बाकी लोग दिखाई देंगे। अगर वो अपना चश्मा, मैं का चश्मा लगा के घूमे तो अपने अलावा कोई नहीं दिखाई देगा। रसना जी, आपके साथ बहुत सारे डॉगी हैं जी, संख्या आप बताइएगा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा उनके साथ आपका कोई ऐसा पल जो बड़ा अद्भुत हो, जो आपको बहुत आनंद देता हो, कोई ऐसी घटना। सुबह से लेके शाम तक सारी घटनाएं घटनाएं होती हैं। कभी कभी दुर्घटना। कितने डॉगी हैं आपके पास?
लगभग 40 है। हाँ। मैंने आज तक नंबर किसी को नहीं बताया। हाँ। इसलिए नहीं बताया कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ लोग आश्चर्य करते हैं, कुछ लोग गलत उससे यकीन भी नहीं करते। हाँ, यकीन नहीं करते। तो जो नहीं करते उनको बता के फायदा क्या। हाँ। और जो नहीं करना चाहते उनके लिए भी नहीं बताया। तो माय हाउस इज अ शेल्टर टू 40 स्ट्रे डॉग्स, इंडियन डॉग्स। हम लोगों से यही कहते हैं कि ब्रीड्स मत पालिए, इंडियन डॉग्स को पालिए। वो भी उतने ही प्यारे, उतने ही देखने में हैंडसम और ब्यूटीफुल हो जाते हैं अगर उनको प्रॉपर खान पान और देखभाल मिले। तो इतने 40 आपके फैमिली मेंबर हैं, तो उनका खाना पीना कैसे मैनेज होता होगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा बृहद परिवार है आपका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खाना पीना मैनेज हो जाता है, सारी चीजें करने से ही होती हैं। तो फाइनेंसेस तो मेरे सारा सेल्फ फंडेड ही है, बाकी आई हैव बाय गॉड्स ग्रेस हेल्पिंग हैंड्स हैं, 3-4 हेल्पिंग हैंड्स हैं। एक मेरे खाना बनाने में मदद करते हैं, तो इट्स अबाउट 1 क्विंटल चावल हर महीने का लग जाता है, मिनिमम 1 क्विंटल, और 2-3 क्विंटल आटा, एंड अबाउट 10 crates ऑफ एग्स, और फिर उनका डॉग फूड है। तो ये तो खाने का है, उसके अलावा उनका ग्रूमिंग है, उनके बेड्स हैं, बेडिंग है, दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ है, सारा चीज़, सारा उपचार आप खुद कर पाती हैं? नहीं, मैं सारा उपचार तो नहीं, क्योंकि मेरे पास मेडिकल डिग्री नहीं है। बाय गॉड बिल्कुल मदद लेती हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पड़ोसी हैं डॉक्टर गुप्ता, वन ऑफ द बेस्ट वेटरनेरियंस ऑफ झांसी, तो ही टेक्स केयर ऑफ देम। जी बिल्कुल। नया साल शुरू हो गया है, अब नया साल में आप इसके अलावा और क्या नया करना चाहती हैं जो इन डॉगियों के लिए स्पेशल हो? मैं बेसिकली मैं उन लोगों उन डॉग्स तक पहुंचना चाहती हूं जो इतने इंजर्ड हो जाते हैं, जो यहां तक नहीं आ सकते, पता नहीं चलता। तो मैं चाहती हूं कि मुझे कहीं से, मैं कोशिश कर रही हूं कि फंड्स अरेंज हो जाएं, तो एक मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक करना चाहती हूं और एक शेल्टर, क्योंकि घर अब 8 कमरे छोटे पड़ रहे हैं, पड़ोसियों को भी दिक्कत होती है, मैं उनसे बना के भी रखना चाहती हूँ, उनको दिक्कत नहीं देना चाहती। तो करीब बिगर शेल्टर विद अ बिगर लैंड, तो करीब 1 एकड़ ऑफ लैंड मुझे कहीं से कोशिश कर रही हूँ अरेंज हो जाए, और उसमें शेल्टर बना पाऊँ मैं एनिमल्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स, कैट्स, सारे ही एनिमल्स। हाँ। कोई भी एनिमल्स, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं कोई भेदभाव नहीं, और एक मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक चालू हो जाए, जहाँ जिसको जरूरत हो तो वहां तक उसका मदद पहुंच सके। अच्छा, देखा गया है कि इन लोगों में आपस में भी द्वेष होता है, झगड़ते हैं, आपके पास तो 40 हैं, तो वो उनको कैसे मैनेज करती हो, क्योंकि हमारे एक परिचिता हैं, उनके पास 4-5 स्ट्रीट डॉग हैं और वो आपस में उनकी बनती नहीं है, कैसे मैनेज करती हैं फिर आप? एनिमल वर्ल्ड में एवरीथिंग गोज बाय द साइज, तो एनिमल्स में भी ग्रुप्स होते हैं, तो उनको ग्रुप्स के हिसाब से उनको मैनेज किया। और सबसे बड़ा इसका मैनेज करने का, जो फाइट्स होती है डॉग्स में एनिमल किंगडम में, वो बेसिकली उनके सिर्फ एक ही सीजन में होती है, हीट सीजन में। तो उसका सबसे बड़ा एक ही तरीका है, अच्छा तरीका, कि उनको न्यूटर किया जाए, स्पे किया जाए, उनका ऑपरेट किया जाए, उनको स्टेरलाइज करवा के, तब वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और अच्छे से प्रेम से सारे रह सकते हैं। ये भी देखा गया है कि डॉग में जो क्षमता होती है सूंघने की, और वो कहीं आप जा रहे हैं या आप कहीं अस्वस्थ हैं, तो वो आपसे पहले उन्हें पता चल जाता है, ऐसा बताया गया है। हाँ बिल्कुल बताया गया, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे डॉग्स में क्षमता होती है 500 times ज्यादा हमसे सूंघने की, सारे डॉग्स में होती है। और बहुत सारे डॉग्स को अगर आप ट्रेन करो तो वो आपकी डिजीजेस को आपके पास आने से पहले ही पहचान लेते हैं, जैसे कैंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, कैंसर के सेल्स को पहचान लेते हैं, तो कैंसर आने से पहले ही पहचान लेते हैं। तो उसके लिए उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ती है, बिना ट्रेनिंग के वो आपको सीजर्स आने वाले हैं, आपको मिर्गी आने वाली है, वो आपको बता देंगे, उनका बिहेवियर आपके प्रति अजीब हो जाएगा, आपके पास ही रहेंगे, जाएंगे नहीं छोड़ के। मेरे तो लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पास में डॉग्स हैं जो अगर मुझे खांसी की भी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, सर्दी होने वाली है, तो वो मुझसे दूर नहीं जाएंगे। एंड आई हैव अ डॉग
बिल्कुल आई हैव वन ऑफ माई डॉग्स की अगर मुझे जरा भी खांसी आएगी तो शी स्टार्ट्स क्राइंग, रोने लगती है, चिंता होती है, बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। जब तक ठीक नहीं हो जाती बिल्कुल तब तक वो पीछा नहीं छोड़ती है। रचना जी, बंजारा वीट्स चैनल जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है जी। हमारे चैनल को लोग बड़ी शिद्दत से देखते हैं, हम चाहेंगे कि आप एक ऐसा संदेश दें जो औरों को भी डॉग लवर होने की प्रेरणा दे आपके द्वारा। देखिए, संदेश तो सबसे बड़ी बात है कि थैंक यू वेरी मच बंजारा बीट्स ने ये संदेश लोगों तक पहुंचाया, और आपके द्वारा जो एक अच्छा काम हो रहा है कि मैं इस समय मैसेज दे सकती हूँ लोगों को कि नेचर ने आपको कोरोना के रूप में अपने आप बता दिया कि आप अगर नेचर से खिलवाड़ करेंगे और उसके साथ बैलेंस बना के नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये समझ लीजिए आप कि जितने एनिमल्स हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, वो हार्म करने के लिए नहीं है, वो आपके खाने के लिए नहीं है, वो आपके कपड़ा पहनने के लिए या उनका फर पहनने के लिए नहीं है, वो उनका अपने अलग जगह है। तो उनको प्रोटेक्ट करिए, आपके पास पावर है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास पावर है, आप उनसे ज़्यादा पावरफुल है, तो उस पावर को आप उनको काइंडनेस दिखाने के लिए, कंपैशन दिखाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करिए, ना कि उनको हार्म करने के लिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। वरना दिस नेचर इज गोइंग टू टेल यू कि आपको कोरोना के रूप में एक एग्जाम्पल ऑलरेडी मिल गया और पता नहीं और क्या क्या आने वाला है। ऐसा ये एक बड़ा अटपटा सा सवाल मेरे दिमाग में आया कि लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर के साथ कुत्ता स्वर्ग तक गया था, लोग उसको धर्म से जोड़ते हैं और मोक्ष से भी जोड़ते हैं, तो क्या आप भी इसलिए ये सब इतने बड़ा परिवार पाले हुए हैं कि आपको लगता है कि मोक्ष आसानी से मिलेगा? मोक्ष आसानी, इसका मतलब है कि मुझे अगर मेरे पास 40 है तो मुझे 40 गुना ज्यादा मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका तो पता नहीं है, आगे मैंने देखा नहीं है होगा कि नहीं होगा, बट हाँ इसी लाइफ में मुझे तो स्वर्ग का एहसास होता है जब उनके साथ में हैप्पीनेस, उनके नॉटीनेस देख के, उनका खेल देख के, उनके साथ में जो बॉन्ड है वो देख के, मेरे लिए एनिमल से मेरा बॉन्ड ज्यादा अच्छे से बन पाता है, इंसानों से नहीं बन पाता है एट टाइम्स। मैं उनकी भाषा ज्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ, इंसानों की नहीं समझ पाती हूँ समटाइम्स, सो मैं उन लोगों से भी अपोलोजाइज करती हूँ जिन लोगों की मैं बात नहीं समझ पाती हूँ, पर जानवरों की बात मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। तो ये थी रचना पाठी जी, जो 40 डॉगी की इकलौती माँ है। रचना जी, बंजारा वीट से बात करने के लिए, अपने संदेश हमारे माध्यम से पहुँचाने के लिए मैं आपको आभारी हूँ। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।